ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग सोलन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। सब्जी मंडी सोलन के सचिव प्रकाश कश्यप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी गोवर्धन सिंह ठाकुर ने की। इस शिविर में जिला सोलन के पांचों खंडों के करीबन 70 युवाओं ने भाग लिया। 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न विभागों से आए स्रोत व्यक्तियों द्वारा नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के गुर सिखाए गए। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों से आए विशेषज्ञों ने युवाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी, ताकि प्रतिभागी अपने अपने क्षेत्र में जाकर पात्र लोगों को ये जानकारी देकर लाभान्वित कर सकें। युवाओं ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिली है, जो कि उनके लिए लाभदायक है। उन्होंने कहा कि साथ ही नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के गुर भी उन्हें यहां सिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को वह अपने गांव में जाकर लोगों को बताएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के युवा संयोजक बलिराम शर्मा ने बताया कि खेल विभाग द्वारा 5 दिवसीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया गया, ताकि युवा इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करके अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र सहित स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित भी किया गया। युवा सेवा एवं खेल कार्यालय सोलन द्वारा 5 दिवसीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी खंडों के 70 युवाओं ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य जो ग्रामीण एरिया से आए हुए युवाओं को हिमाचल प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना होता है, तथा जो युवा ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं उन्हें जागरूक करना होता है, ताकि उन्हें इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके और ग्रामीण स्तर तक इसका लाभ पहुंच सके।